Ram Ram ji, all of you. I'm Chaudhary Pavan Soloth and welcome to the Mission IT Education, where you got lots of knowledge in information technology and information security. मानव जात को सुख चैन की जिंदगी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत अनिवार्य हुई है। ये बच्चा कौन है? सर, इसका नाम अनुज है, हैकर है सर। साइबर क्राइम केसेस क्रैक करने में अक्सर हमारी मदद करता है। ये सीन जरूर फिल्मी है, लेकिन साइबर हैकर्स का खौफ असली है। ये वो खतरा है जिसे नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती। ये चुनौती है जिसका सामना करना ही होगा। क्योंकि अगर मेट्रो का सर्वर हैक हुआ तो नतीजा भयानक तबाही। अगर एयरपोर्ट का सर्वर हैक हुआ तो अंजाम होगा विमानों की टक्कर। और अगर पावर प्लांट हैक हुआ तो मतलब होगा पावर सप्लाई ठप। और न्यूक्लियर प्लांट हैकर्स की चपेट में आ गए तो अंजाम ऊपर वाला ही जान पाएगा। पहली बार जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के साथ मिलकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें देश और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के जो साइबर एक्सपर्ट हैं, जो हैकर हैं, वो इसमें भाग लेंगे। और खासतौर से एक मॉडल हम दिखा रहे हैं। इस तरह के मॉडल पर जो हैकर हैं वो टेस्ट करेंगे कि कैसे किसी सिस्टम को फेल किया जा सकता है और उसको उससे कैसे उसका बचाव किया जा सकता है। तो ये एक तैयारी है साइबर सिक्योरिटी के मोर्चे पर सरकार की तरफ से, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है आज के दौर में। आने वाले दिनों में जो मेट्रो है, हम बात करते हैं कि वो ड्राइवर लेस होगी, यानी कि बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी। इसी तरह से जो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही जो स्मार्ट सिटी है, हर चीज टेक्नोलॉजी से, साइबर स्पेस से वो चल रही है। ऐसे में मुश्किलें भी काफी बड़ी हैं। तो तैयारी शुरू हो गई है साइबर हैकर्स की तमाम साजिशों को नाकाम करने की। 20 नवंबर से दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 यानी हैकाथन का आयोजन होगा। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 120 देशों के साइबर एक्सपर्ट्स की हिस्सेदारी होगी। ये कॉन्फ्रेंस थोड़ा अलग किस्म का है। मेट्रो, एयरपोर्ट, पावर प्लांट के सर्वर की खामियां ढूंढने की कोशिश की जाएगी। साइबर एक्सपर्ट्स को सर्वर हैक करने की चुनौती दी जाएगी। सबसे दमदार हैकर को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये नाक उल्टे पकड़ने जैसी कसरत है, लेकिन इसका मकसद यही है कि हम अपने सिस्टम की खामियां और कमजोरियों को पहचान पाएं, उन्हें समय रहते दूर कर पाएं, ताकि जब वाकई हमला हो तो हम सुरक्षित रह सकें। देखिए, ये सभी उपकरण जितने भी हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं और इनमें एक लिमिट तक ये उम्मीद हो सकती है कि कोई उसको हैक कर दे, लेकिन इसको किस तरह से हमें बचाना है इसकी ही एक ये हमारा परीक्षा है, जिसमें बहुत से हैकर्स आएंगे और वो अपना जो काबिलियत है दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि क्या त्रुटियां जो हमें हमारे क्षेत्र में इस आईटी सेक्टर में हैं, क्या हम उनको प्लग कर सकते हैं, क्या उन त्रुटियों को हम सोल्यूशन दे सकते हैं। और इसी का नाम हमारे यहाँ एक कंपटीशन भारत सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। हैकिंग एक ऐसा साइबर खतरा है जिस पर आंखें नहीं मूंदी जा सकती। सरकारी एजेंसियां हैकर्स से बचने के लिए क्विक हील जैसी निजी कंपनियों से मदद ले रही हैं। जापान, इजिप्ट, इजराइल और रूस से भी बात की जा रही है। साइबर थ्रेट्स की जानकारी के लिए आईटी समेत कुछ अन्य संस्थानों की भी मदद ली जा रही है, यानी पूरी तरह चाक चौबंद होने की तैयारी है। जो साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं, जो हैकिंग की चुनौतियां हैं, उसके सिस्टम को हैक करने की, वो भी लगातार बढ़ रही हैं। और ऐसे में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर देश और दुनिया के तमाम साइबर एक्सपर्ट और हैकर जो हैं उनको इस सिस्टम के साथ
एक कंपटीशन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी मदद से ये कोशिश की जाएगी किस तरह से सिस्टम को हैकिंग से बचाया जाए और उसको एक फुल प्रूफ सिस्टम में तब्दील किया जाए।